हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस रोम डिज़ाइनर दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है हम आपके लिए डेली अलग अलग साइज़ के छोटे बड़े सभी तरह के हाउस प्लान लाते रहते हैं तो एक और न्यू प्लानिंग के साथ एक और घर का नक्शा साउथ फेसिंग का हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसकी आपको साइज मिलती है ट्वेंटी वन फिट बाई थर्टी फाइव फ़िट का ये हमारा टू बी एच के का बेहतरीन सा हाउस प्लान होने वाला है केवल सात सौ पैंतीस स्क्वायर फिट में यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पीछे आपको दो बेडरूम देखने को मिलता है और फ्रंट में मेन मेन गेट से ही आपका ड्राइंग हॉल मिलता है और यहीं पर ही फ्रंट में आपको किचन देखने को मिलता है उसके साथ साथ यहाँ पर आपकी सीढ़ी कुछ टाइप से और यहाँ पर सीढ़ी के नीचे यहाँ पर आप अपना किचन के लिए डाइनिंग एरिया कर सकते हैं ड्राइंग हॉल में आप अपना सोफा वगैरह लगा सकते हैं उसके साथ साथ यहाँ पर आपका एक तरफ अटैच ट्वेल्ड रेन्डो बाथरूम है तो कम जगह में दोस्तों ये हमारा साउथ फेसिंग का हाउस प्लान होने वाला टू बी का बेहतरीन सा ओनली सात स्क्वायर फीट में और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमने कॉलम वगैरह भी अपना बना दिया कि हमारा कितना इसमें कॉलम आएगा कहाँ कहाँ पे आएगा कॉलम की साइज़ क्या होगी वो भी हम आपको बताएंगे और दोस्तों यहाँ पर जो हमारा बेडरूम है या हमारा हॉल है या हमारा जो भी किचन है उसकी साइज़ को हमने मेंशन कर दिया है लिख दिया है पहले से ही ताकि जब हम आपको इस प्लान के बारे में समझाएं तो आपको प्रॉपर तरीके से बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझ में आ सके दोस्तों हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे बस तीन से चार मिनट लेंगे और हम आपको इस प्लान के बारे में पूरी इन्फॉमेशन दे देंगे जिससे अगर आपका भी कुछ इस तरीके से ट्वेंटी वन फिट बाई थर्टी फ़ाइव फिट का साउथ फेसिंग का हाउस प्लाट होगा तो आप भी इस तरीके से बेहतरीन से अपना नक्शा खुद ही डिज़ाइन कर सकते हैं अब हम चलते हैं आपको इस प्लान के बारे में पूरी डिटेल दे देते हैं किस तरीके से हमने इस प्लान को डिज़ाइन किया है सबसे पहले दोस्तों ये आपका फ्रंट से साउथ फ़ेस मिलता है वेस्ट फेस ईस्ट टू फेस है और बाइक साइड की तरफ आपको नॉर्थ फेस मिलता है इसमें हमने जो भी वॉल रखी है जैसे हमारी इसमें जो इनर वॉल है या आउटर वॉल इसमें आपको सारी पाँच इंच की वॉल मिलती है आप चाहे तो अपने इच्छा के अनुसार आउटर वॉल अपनी नाइन इंच की भी रख सकते हैं बट यहाँ पर हमने सारी पाँच इंच की वॉल रखी है और दोस्तों यह हमारा सात स्क्वायर फीट का टू बी का बेहतरीन सा हाउस प्लान है और इसमें हमारा जो कॉलम है देख सकते हैं हमारे इसमें सारा कॉलम नाइन इंच बाई नाइन इंच का देखने को मिलता है अब हम आपको समझा देते हैं सबसे पहले यहाँ से हम साउथ फेस से बात करते हैं तो यहीं पर आपको मेन गेट मिलता है यहाँ पर आपका मेन गेट है फोर फिट का इस गेट से आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है फ्रंट में ही ड्राइंग हॉल मिलता है यहाँ पर आप अपना सिटिंग के लिए सोफ़ा वगैरह लगा सकते हैं इसकी साइज़ की बात करते हैं तो नाइन फिट नाइन इंच बाई ट्वेल्व फीट में काफ़ी बड़े स्पेस में आपका ड्राइंग हॉल है और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर डबल विंडो भी देखने को मिल जाती है ताकि हमारे इस ड्रॉइंग हॉल का अच्छा सा वेंटिलेशन होता रहे फिर दोस्तों इसी ड्राइंग हॉल से यहाँ पर आपको एक डोर मिलता है इससे आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है लॉबी एरिया यानी आप इसको आँगन बोल सकते हैं इसकी आपको जो साइज़ मिलती है नाइन फिट यहाँ से ले इस स्टेयर तक नाइन फिट है और यहाँ से ये वाली साइज़ आपको एट मिल एट फिट मिलती है तो यहाँ पर आपका लॉबी एरिया है और दोस्तों यहीं से देख सकते हैं हमने सीढ़ी डिज़ाइन की है यहाँ से हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं अपनी और यहाँ पर हमको लैंडिंग मिलती है थ्री फीट बाई थ्री फीट की उसके बाद दोस्तों इस लैंडिंग से हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको तीन फीट बाई तीन फीट की दूसरी लैंडिंग मिलती है फिर इस लैंडिंग से होते हुए सीढ़ी से होते हुए पहुँच जाते हैं हम हम अपने छत पर तो दोस्तों ये जो हमने सीढ़ी डिज़ाइन की है इसमें आपको दो लैंडिंग मिलती है इसमें हमने जो राइज़र और ट्रेड लिया है सात इंच के राइज़र के साथ और दस इंच के ट्रेड के साथ हमने सी टाइप वाली सीढ़ी बनाई है और दोस्तों ये जो हमने सीढ़ी डिज़ाइन की है ये सात फीट बाई बारह फिट में यहाँ पर हमने सीढ़ी डिज़ाइन की है उसके साथ साथ यहाँ पर मिल जाता है आपको फ्रंट में ही किचन मिल जाता है काफ़ी बड़े स्पेस में यहाँ पर आपको किचन देखने को मिलता है यहाँ पर आप मॉडुलर किचन अपना बनवा सकते हैं आठ फीट बाई दस फीट में यहाँ पर आपका बेहतरीन सा मॉडुलर की मॉडुलर किचन बन जाएगा और यहाँ पर हमने एक विंडो भी फ्रंट में दी ताकि हमारे इस किचन का वेंटिलेशन होता रहे और दोस्तों इस किचन के लिए यहाँ पर आप सीढ़ी के नीचे इस इस वाली जगह को यूज़ कर कर सकते हैं डाइनिंग के लिए सीढ़ी के नीचे जो आपकी जगह बचेगी वो आप डाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसमें भी हमने सीढ़े के नीचे यहाँ पर एक विंडो भी दे दी ताकि हमारे इस हॉल का भी डाइनिंग हॉल का भी अच्छे से वेंटिलेशन होता रहे उसके बाद दोस्तों इसी में यहीं पर ही आपको लॉबी आंगन से दूसरी तरफ आपको मिल जाता है अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम काफ़ी बड़ी स्पेस में यहाँ पर हमने अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम रखा है इसके साइज़ की बात करते हैं तो फोर फीट बाई एट फीट में यहाँ पर आपको अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम मिल जाता है और एक वेंटिलेशन के लिए विंडो भी मिल जाती है उसके बाद दोस्तों इसी आंगन से हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पीछे देख सकते हैं दोस्तों आपको दो बेडरूम देखने को मिलता है तो सबसे पहले अगर हम इस वाले बेडरूम की बात कर लेते हैं तो 10 फीट बाईस 13 फीट में ये वाला आपको बेडरूम मिल जाता है काफ़ी बड़ी स्पेस में ये वाला ये वाला भी आपको बेडरूम मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक ईस्ट फेस की तरफ विंडो भी देखने को मिल जाती है ताकि हमारे इस वाले बेडरूम का भी अच्छे से वेंटिलेशन होता रहे उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पर आपको ये वाला आपका सेकेंड बेडरूम है इसकी साइज़ की बात करते हैं तो ये आपका नाइन फिट नाइन इंच दोस्तों ये जो हमने साइज़ रखी है ये अपनी वॉल को छोड़ कर के अपनी साइज़ रखी है मतलब यहाँ से लेकर हमारी जो साइज़ है।, यह है, है यहाँ तक नाइन फिट नाइन इंच है और ये हमारी जो साइज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक थर्टीन इंच है यानी तेरह इंच है तेरह फिट है तो यहाँ पर हमारी इस इस टाइप से बेडरूम है नाइन फिट बाई नाइन इंच इंटू थर्टीन फिट का और उसके बाद यहाँ पर आपको डबल विंडो वेंटिलेशन के लिए देखने को मिल जाती है तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारा टू बी एच के टू बच के का बेहतरीन से यह हाउस प्लान था देख सकते हैं पीछे आपको दो बेडरूम मिलता था यहाँ पर हमारा सीढ़ी है ऐसी सीढ़ी के नीचे आप किचन के लिए डाइनिंग एरिया भी अपना कर सकते हैं फ्रंट में काफ़ी बड़ी स्पेस में आपका मॉडुलर किचन है और यह आपका ड्राइंग हॉल है सामने ही इसके उसके साथ साथ काफ़ी बड़ी स्पेस में आपको अटैच ट्वेल्टो बाथरूम मिल जाता है लॉबी यानी आंगन का एरिया भी आपको मिल जाता है तो फ्रेंड साउथ फेसिंग का ओनली सात सौ पैंतीस स्क्वायर फीट में यह हाउस प्लान आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर ये प्लान आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और यहाँ पर दोस्तों हमारा जितना भी कॉलम था वो हमारा सारा कॉलम नाइन इंच नाइन इंच बाई नाइन इंच का था तो कुछ इस तरीके से आप भी अपना घर का नक्शा डिज़ाइन कर सकते हैं ट्वेंटी वन फिट बाई थर्टी फाइव फिट का इसमें हमारा जो टोटल कॉलम है दोस्तों ये हमारा थर्टी टूवेल्व वो कॉलम है देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन टवेल्व यहाँ पर हमारा ट्वेल्व कॉलम है और सारा कॉलम नाइन जी बाय नाइन जी का मिलता है तो फ्रेंड ये प्लान आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर ये प्लान आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करना ना भूलें और दोस्तों अगर आपका भी कोई हाउस प्लान है वो भी आप हमसे बनवाना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग